बिहारी रसोई में मेथी का रोटी बनाने के लिए बताऊंगी। जिसके लिए सामग्री चाहिए, आटा जो मैंने गेहूं का आटा लिया है, मेथी जिसको मैंने चुन लिया है, और कांदा एक बड़े, हरी मिर्च 5-6, नमक, अजवाइन, जीरा हल्दी कलर के लिए, और ये तेल उस आटे में डालने के लिए जिससे आपकी मेथी की रोटियां एकदम सॉफ्ट बनेगी। इसके लिए अब फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं मेथी को अच्छी तरह से धो लूँगी, और ये जो कांदा है उसे बारीक बारीक काट लूँगी, हरी मिर्च बारीक बारीक काट लूँगी। ये मैंने मेथी को काट लिया बारीक, मिर्ची को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया, और ये कांदा। अब शुरू करें, इस आटे को जो मैंने गेहूँ के आटे लिए हैं उसे मेथी जो काट बारीक बारीक कटी हुई है इस आटे में डाल देते हैं। ठीक है, ये हरी मिर्च, कांदा, जीरा, अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार जितनी आपको जरूरत लगे उतना ही, हल्दी जो मैंने कलर के लिए लिया है, और ये तेल जो मैंने लिया। तेल मैं पहले थोड़ा सा आटा लगाने के बाद मैं साथ में दूंगी। ठीक है, सबको मैंने मिला दिया। अब ये मैं पानी डालूंगी इसमें। जैसे आप नॉर्मली रोटी का बनाते हैं ना, थोड़ा इससे कम ऐसे करके अच्छे से मिला दीजिए। साथ में ये जो मैंने तेल रखे हैं इसे भी मैं डाल देती हूँ इसमें। तो धीरे धीरे ये लीजिए, मैंने सारे चीज़ को आटा को लगा दिया। देखिए ये जो है इसको थोड़ा आधा घंटा इसको मैं ढक के छोड़ देती हूँ। आधा घंटा इसको ढक के छोड़ देती हूँ। मैंने मेथी का आटा जो मैं लगाई थी आधा घंटा हो गया। अब इसे छोटे छोटे लोई काट लेते हैं ऐसे करके, उसकी लोई बना लेती हूँ मैं। देखते हैं हो गया। इसे लोई बना लेती हूँ। चलो अब इसे बेलते हैं। इसे आटे के सहारे बेलते हैं। ऐसे डालते हैं जब तक वो पक रहे हैं, तब तक दूसरी बना दें। इसे धीरे धीरे इसे लटकते हैं। धीरे धीरे देखिए अभी ये पकता पकने दीजिए। अभी से
देख लीजिए आपके पक गए हैं इधर। अब इसे तेल दीजिए ऐसे से। अब इसे छिलक देते हैं। आपको मेथी के पराठे जब तक ये आपके बन रहे तब तक आप दूसरी तैयारी कीजिए। ऐसे ऐसे करते धीरे धीरे बनते रहेगा। इसे लाल कर लीजिए, देखिए ये पूरे लाल हो रहे हैं, देख कर ही आपको मुंह में पानी आएगा। ये आपके लाल लाल रोटियां बन गई। मेथी का रोटी आप इसे दही के साथ खाइए और खुद खिलाइए किसी को। चले अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।